ये ऐतिहासिक नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिवाली। इस दिवाली के लिए हजारों ने, परंतु कार सेवा की एक भावना हमारी यूं जगी कि हमारा शरीर कहीं नहीं काम आएगा, राम के काम तो जरूर आएगा। पूरा गैरराज्य विश्व हिंदू परिषद और संतों के द्वारा किया जा रहा है। मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है, इसलिए उनको बुला के उनसे उद्घाटन करा। राहुल गांधी उधर तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, इधर कांग्रेस के बलि चढ़ रही थी, कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अनेक कार्य ऐसे हुए हैं जो आज दंते के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने, राम मंदिर भी बनेगा, धारा 373 भी हटेगी, ये अटल जी का कहना था उसने। राम मंदिर जो 22 तारीख को उद्घाटन होगा मोदी जी के, मोदी जी हमेशा जो गारंटी देते हैं वो हमेशा करते हैं। का पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने आंदोलन हुए कभी मैंने नहीं छोड़ा। 22 जनवरी की तारीख पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बातें हैं, उसको एक दीपावली के रूप में मनाने की बातें हो रही हैं और चोर तरफा हर घर घर में उस दिन जश्न का माहौल रहेगा। और उसी कड़ी में अलग अलग अनुभव लोगों के भी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के संघर्ष श्री राम मंदिर बनने और उसकी प्रतिष्ठा महोत्सव तक पहुँचे हैं। इसके कई पड़ाव आए, कई दौर इसमें आए, इसी दौर में कई लोग इससे जुड़े रहे हैं। हमारे साथ में भानु जी पालीवाल हैं जो कि कार सेवा में रहे और अयोध्या में गए थे जब 1992 में यह घटना हुई थी। हमारे साथ उनसे अनुभव जानते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल बना था और आप कैसे, आपके मन में कैसे। सबसे पहले तो मैं राजसमंद की जनता को बधाई दूंगा जो 22 तारीख के दिन ऐतिहासिक दिवाली मनाई जा रही है। ये ऐतिहासिक नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिवाली है। इस दिवाली के लिए हजारों ने अपनी आहुति दी, फिर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक आह्वान किया था सब कार सेवा में चलेंगे। किसने यह नहीं सोचा था कि वहाँ किस मुलायम सिंह सरकार गोलियां चलाएगी, नथियों के ऊपर गोली चली, नरे गुजर गए, मर गए, कुचल गए। हमारी भावना वैसे यहाँ कांकरोली में सब डर रहे थे कोई नहीं जावे, वैसे विश्व हिंदू परिषद वाले जा रहे थे। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता था, पर पार्टी में से कोई नहीं जा रहा था, फिर मैं तैयार हुआ। मेरे साथ में एक राजमल सेठ राजनगर के अंदर है, वो एक जगह करियावर का खाना बना रहा था, उसको पता पड़ा भानु भाई साहब जा रहे हैं, तो वो उस करियावर के खाने को छोड़ के न साल खंधे पे डाल के मेरे साथ में ट्रेन में चला आया। अच्छा, ट्रेन में चला आया और फिर वो पूरा हमारे साथ में रहा। मेरे साथ में रघुनाथ जी गुजर थे, मेरे साथ में जगदीश जी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन थे, यूँ करके हम मेरी टोली थी 8-10 जनों की। राजसमंद हम गए थे पार्टी की तरफ से, फिर वहाँ पे हम यहाँ से उदयपुर गए, उदयपुर से हम दिल्ली गए। दिल्ली पे पुलिस बहुत पकड़ने में लग रही थी, तो हमने उनको छुप छुप गए, फिर हम वापस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ के हमको टूंडला में गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ में एक चैतन्य दास जी महाराज भी थे, उनको उस रेलवे स्टेशन के बहुत मारा, हमारे भी लाटे बहुत पड़े। रघुनाथ जी गुजर जो सबसे ज़्यादा वृद्ध थे, उनको भी इतना मारा पूछो मत। आज वो भी भगवान को प्यारे हो गए अब, परंतु कार सेवा की एक भावना हमारी यूँ जगी कि हमारा शरीर कहीं नहीं काम आएगा, राम के काम तो जरूर आएगा। हम इस दृढ़ को लेके हम गए। गिरफ्तारी हो गई तो फिर उसके बाद कैसे, गिरफ्तारी के होने के बाद में हमको एक पिंजरे में बंद करके फिर हमको टूंडला, वहाँ से ले टूंडला से रुड़की में छोड़ दिया। नहीं तो पिंजरा भी बता रहे हो कि जैसे कि कौन सा पिंजरा, बड़ा पिंजरा था कुत्तों का, कुत्तों के पिंजरे। हाँ, अच्छा, उसमें हमने बिठाया किया, फिर हम वहाँ से वापस पैदल वहाँ से वापस हमने ट्रेन पकड़ के हम फैजाबाद आ गए। फिर हमको वापस गिरफ्तार किया, फिर हम एक कॉलेज में ठहरे, कुछ के कॉलेज को हमने तोड़ा। मतलब अनेक प्रकार की हमारे पास मुसीबतें आई। वहाँ की औरतें मनक सब हमारे गालों पे लाड़ करके कहते थे कि धन्य तुम्हारी माता पिता को जो आप लोगों को कार सेवा में भेजा है, एक नार के मुंह के अंदर आपको भेजा, जो आज इस बबरतापुर उस मुलायम सिंह सरकार ने हमारे नथियों के ऊपर गोलियाँ चलाई। आज राम कोटारी और सर कोटारी को दुनिया याद करती है,
उनकी एकाएक बहन है, आज उसकी बहन की हाथ की कलई सुनी हो गई, बूढ़े माँ बाप है उनके माँ बाप का निवाला सुना हो गया, ऐसे इस सरकार ने उसमें क्या रहा? फिर दूसरी बार गिरफ्तारी होने के बावजूद भी आप वहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, वापिस हमको छोड़ दिया वहाँ, छोड़ने के बाद हम वापिस चले गए, हमने भी पीछा नहीं छोड़ा जाने के लिए, पर अंत करके हमको गिरफ्तार करके फिर उन्होंने दिल्ली लाके छोड़ दी। अच्छा, ये कितने दिनों का संघर्ष रहा? ये 11 दिन का, 11 दिन तक लगातार, जैसे तीन बार गिरफ्तार, दो बार हुए। अच्छा। और हम भी बड़े चाव से गए, हमारे खाने वाने की हमको चिंता नहीं थी, गांव की औरतें कोई रोटी बना के ला रही थी, कोई परांठे बना के ला रहे थे, कोई सूखी रोटी भी दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, तो हम उससे खा के भी पेट भर के पैदल 20-20 किलोमीटर पैदल चले। अच्छा। उसकी भी हमने चिंता नहीं की, पर हम हमारे राम के लिए सब कुछ निछावर। जिस वक्त वो जो ढांचा जो तोड़ रहे थे उसमें कई लोग अपने राजसमंद के भी शामिल हुए, तो वहाँ आप कहाँ तक पहुँचे थे? राजसमंद जिस समय यह ढांचा टूटा, ये तो कल्याण सिंह जी की टाइम टूटा। अच्छा। जो तो हमारा राज था, जो वहाँ इतनी कोई बब्बर था, कोई पुलिस वाले ने भी टच नहीं किया किसी को। अच्छा, ये कौन से सन की बात है आप? ये कल्याण सन तो यार थोड़ा भूल गया, 1992। हाँ, 92-93 के पास में है, उस समय तो हमारा राज था। आप पहले गए थे? दोनों में गए हम। अच्छा। सब में गए, और हमने तो बीजेपी का पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने आंदोलन हुए कभी मैंने नहीं छोड़े, जितने अधिवेशन हुए वो भी मैंने नहीं छोड़े, हर कार्यक्रम में मैं गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो मुख्य रूप से वो यात्रा निकली थी वो भी राजसमंद में आई, याद है? हाँ, वो याद है मेरे को। राजसमंद में जब ये आई थी तो मैं यहाँ जलचक्की पे महेश जी भाई साहब ये सब इनको पूछना, मैं रथ के सामने सो गया। पुलिस वाले और प्रशासन कह रहे चाहते थे कि इसको यूं बाहर होके निकालें, पर हमारी इच्छा थी कि हम सिलावटवाड़ी में होके निकालें, इनसे हम कितने दिन डरेंगे, इसलिए उनकी इस रथ के सामने सो गए थे, और सोने के बाद में उसको रथ को हम ले गए फिर राजनगर बीच में। हाँ, बीच में से ले गए, और कोई वो नहीं, पुलिस को प्रशासन उनकी व्यवस्था करे, उनकी हमें चिंता नहीं, पर आज हम बड़े उत्साह महसूस कर रहे हैं कि आज अपना हमारा राम मंदिर जो 22 तारीख को उद्घाटन होगा मोदी जी के, मोदी जी हमेशा जो गारंटी देते हैं वो हमेशा करते हैं, और ये भी उनकी एक गारंटी थी कि राम मंदिर बना के छोड़ेंगे, हमारे भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उन्होंने लोकसभा में कहा था सरकारें आती है जाती है उसकी चिंता नहीं है, परंतु एक दिन हम जरूर दो तिहाई बहुमत से सदन में आएंगे, राम मंदिर भी बनेगा, धारा 373 भी हटेगी, ये अटल जी का कहना था उस समय, और आज वो अटल जी का सपना साकार हुआ, राम मंदिर भी बन गया, धारा 373 भी हट गई, महिला आरक्षण भी पास हुआ, अनेक कार्य ऐसे हुए जो आज दंत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। मुख्य रूप से जैसे अभी श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये तो पूरा राजनीतिकरण राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया है। देखो, अगर ये राजनीतिकरण होता ना तो कल बम्बई के अंदर इनका गद्दावर नेता है, कांग्रेस छोड़ के उसने शिवसेना ज्वाइन कर ली, राहुल गांधी उधर तो 12 जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, इधर कांग्रेस के बलि चढ़ रही थी, कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे, गद्दावर नेता बहुत पुराने जो तीन तीन बार सांसद रहे, तो कांग्रेस के तो उसके कर्मों से खुद कुछ जैसे शंकराचार्य भी विरोध में हैं कि इसका जो प्राण प्रतिष्ठा की मोदी जी रख रहे हैं तो फिर संतों का क्या काम है। वो देखो, खाली हजारों साधुओं के बीच में खाली 2-3 कोई होते हैं, जिस तरह अपन लून मिर्च हल्दी सब की चटनी बनाते हैं, चटनी में मिर्चें भी घुल जाती है, वो नमक भी घुल जाता है, पर हल्दी का गांठिया बाहर रह जाता है, तो ये कोई संत छोटे मोटे हैं ना तो वो गांठिया की नहीं अंदर बाहर हैं, उनका वो कांग्रेस से समर्थित हैं, उन्होंने कांग्रेस ने उनको खरीद रखे हैं, जो वो 2-4 आदमी उनके लिए बोलते हैं, ज़्यादा कोई संत नहीं है, इतने खाली 2 या 4 संत होंगे जो उनके पक्ष में बोलते हैं, तुझे कोई उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं। तो आपके मतलब ये जो हो रहा है ये गैर राजनीतिक है पूरा? ये पूरा गैर राजनीतिक, विश्व हिंदू परिषद और संतों के द्वारा किया जा रहा है, मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है,
इसलिए उनको बुला के उनसे उद्घाटन करा रहे हैं। तो इसमें क्या प्लान है, अभी जैसे प्रतिष्ठा होगी उसके बाद राजसमंद के लोग भी वहाँ जाने का अगर कोई बना रहे? यहाँ से पूरी ट्रेन जाएगी, पूरे जिले से एक ट्रेन जाएगी उसी दिन। हाँ, और हमारे दीप्ति जी ने भी प्रण कर रखा, गाँव में हम चुनाव में जाते थे, भाषण देते थे, तो हम कहते थे कि आप चिंता मत करो, अपनी दीप्ति जी अपने को बसें भर के अयोध्या ले जाएगी और हम अयोध्या जाएंगे उस प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद। हाँ, उसके बाद ही, उस समय तो हमारे इनवाइट ही नहीं, आगे राजसमंद जिले से 3 आदमी जा रहे हैं, चौथा किसी को इनवाइट नहीं। कौन कौन है? एक तो संघ के द्वारा है, एक विश्व हिंदू परिषद है, एक पार्टी का कोई भी होगा हम। अच्छा, उनको इनवाइट, दूजो किसी को इनवाइट नहीं। दूजो हमने तो हमारे संघ के बड़े पदाधिकारी, जिला प्रचारक है, संभाग प्रचारक, उनको भी बोला कि हमको आज इस वक्त हमको भेजो वहाँ पे, हम जाएंगे। अभी हमारे संगठन मंत्री आए थे चंद्रशेखर जी, उनको भी बोला। जो कार सेवा में रहे वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे? नहीं, किसी को भी शामिल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है, किस समय कुछ हो जाए तो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी आती है, इसलिए शांतिपूर्ण ये उद्घाटन हो जाए। उसके बाद पार्टी ने तय किया है कि हम सबको वहाँ अयोध्या भेजेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने किस तरह का कार सेवा में, जिस तरह से आप लगातार अयोध्या में 2 बार गए और किस तरह के अनुभव रहे हैं वहाँ के, वही अनुभव हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।